कभी कभी जीतने के लिए हारना पड़ता है और हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। शाहरुख खान की फिल्म का यह डायलॉग आज अगर किसी पर सबसे ज्यादा फिट बैठता है ना तो वो अकेले शिवराज सिंह चौहान है। क्या शिवराज सिंह चौहान अब बीजेपी के अंदर प्रधानमंत्री मोदी के बाद सबसे बड़ा चेहरा बनकर उभरेंगे, वो चेहरा जिसने इतना भयानक गुस्सा, इतनी भयानक एंटी इनकम्बेंसी के बाद इतनी भयानक तरीके से साइडलाइन, अपनी ही पार्टी द्वारा साइडलाइन किए जाने के बावजूद भी अपने दम पर न केवल मध्य प्रदेश में एक बार फिर से जीत दिलवाई बल्कि प्रचंड बहुमत की जीत दिलवाई। दोस्तों एक बात मैं आपको समझाऊंगी, गौर से सुनिए। प्रधानमंत्री मोदी जब प्रधानमंत्री नहीं बने थे तो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उनका टेन्योर अगर आप देखें तो 2001 से 2014 तक था, मतलब 2001 से 2014 तक मोदी जी गुजरात के सीएम थे। लेकिन आप मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान का अगर टेन्योर देखें तो ये 2005 से 2018 तक निकलता है, फिर 2018 में कमलनाथ ने सरकार बनाई, फिर 2020 में फिर से बीजेपी ने सरकार बनाई जब ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने विधायकों को लेकर बीजेपी में शामिल हुए थे, और उसके बाद 2023 तक फिर शिवराज सिंह चौहान सीएम रहे। और इस चुनाव से ठीक पहले जबरदस्त तरीके से बीजेपी के अंदर इस बात को लेकर चर्चा शुरू हो गई थी कि शिवराज सिंह चौहान को लेकर बहुत गुस्सा है, बहुत नाराजगी है। शिवराज सिंह चौहान को बीजेपी ने ना सीएम कैंडिडेट घोषित किया। दोस्तों अंत अंत तक लोग बीजेपी से पूछते रहे कि क्या शिवराज सिंह चौहान सीएम कैंडिडेट होंगे और बीजेपी ने कोई जवाब नहीं दिया। ये कितना असहज करने वाला है एक ऐसे मुख्यमंत्री के लिए जो चार बार मुख्यमंत्री रह चुका है अपने प्रदेश के लिए। दोस्तों एक बार तो ये अटकलें तक शुरू हो गई थी कि शिवराज सिंह चौहान क्या विधानसभा चुनाव भी लड़ेंगे, लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने हार नहीं मानी। सीएम कैंडिडेट ना होने के बावजूद भी लगातार उन्होंने पूरा एमपी नापा, लगातार वो प्रचार करते रहे। एक वक्त तो ये आ गया जब वो लोगों के बीच जाके पूछने लगे कि बताइए 2024 में मोदी जी को पीएम बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। एक तरह से आप कह सकते हैं कि कहकर शिवराज सिंह चौहान अपनी ताकत का अंदाजा पार्टी आलाकमान को दिखा रहे थे। अब सवाल ये कि जिस पार्टी आलाकमान ने शुरुआत से लेकर अब तक शिवराज सिंह चौहान को साइडलाइन किया, उनके बरक्स बाकी नेताओं को खड़ा करने की कोशिश की, अब वो पार्टी आलाकमान शिवराज सिंह चौहान का क्या करेगा? क्योंकि आप माने या ना माने मध्य प्रदेश की जीत का सहरा शिवराज सिंह चौहान के सर ही जाता है। इसके अलावा दोस्तों बहुत सारे फैक्टर रहे जो शिवराज सिंह चौहान बाजीगर बनके चुनाव में उभरे। लाडली बहन योजना ये एक बहुत बड़ी स्कीम बनकर उभरी जिसको लेकर शिवराज सिंह चौहान आश्वस्त दिख रहे थे। बहुत सारे लोग ये बात कर रहे थे कि क्या वाकई में एक योजना का लाभ इतने बड़े स्तर पर पहुंच सकता है, तो ये एक केस स्टडी है कि हाँ पहुंच सकता है। शिवराज सिंह चौहान जहां जाते वहां इमोशनल कार्ड खेलते, लोगों से कहते कि मैं जब चला जाऊंगा तो बड़ा याद आऊंगा। इसके अलावा बुलडोजर बाबा से इंस्पायर होकर शिवराज सिंह चौहान चुनाव से कुछ महीने पहले बन गए बुलडोजर मामा। उससे हिंदुत्व की जो पॉलिटिक्स है बीजेपी की वो और मजबूत हुई, जो कि मध्य प्रदेश में हमेशा से ही मजबूत थी। दोस्तों आज से पहले मध्य प्रदेश में सोचिए सीएम कैंडिडेट के कितने सारे नाम दिए जा रहे थे। कहा जा रहा था कैलाश विजयवर्गीय एक नाम है, नरेंद्र सिंह तोमर एक नाम है, गणेश सिंह एक नाम है, राकेश सिंह, प्रहलाद सिंह पटेल, फग्गन सिंह कुलस्ते, ये सारे लोग शिवराज सिंह चौहान को आंख में आंख डालकर चुनौती दे रहे थे। एमपी में जब मैं प्रचार के लिए घूम रही थी बड़े बड़े पोस्टर्स लगे थे जिसमें सबसे बड़ी तस्वीर पीएम मोदी की थी और नीचे इन सभी चेहरों को रखा गया था, उसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी चेहरा था। शिवराज सिंह चौहान को भले ही बीच में रखा हो लेकिन उनको सीएम कैंडिडेट बीजेपी ने घोषित नहीं किया था। लेकिन विपक्ष के साथ साथ अपनी पार्टियों की चुनौतियों से लड़े, न केवल लड़े बल्कि लड़कर बाहर निकले शिवराज सिंह चौहान। आप कह सकते हैं कि वो बाजी जो 6 महीने पहले एक तरह से शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी हार गई थी, जिस बाजी पर बीजेपी ने भी शिवराज सिंह चौहान पर एतबार करना छोड़ दिया था, शिवराज सिंह चौहान ने उस बाजी को अपने कंधों पर उठाया और जीत की इबारत लिखी। कोई ना बाजीगर शिवराज सिंह चौहान। क्या आपको लगता है कि अब बीजेपी के अंदर शिवराज सिंह चौहान मोदी के बाद सबसे बड़ा चेहरा बनकर उभरेंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन का भी जरूर इस्तेमाल करें।